गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और रात को मैं ब्लॉग एंड करना भूल गई थी। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15। आप प्रधांश को देख सकते हो, वो सो रहा है। और अब हमारा आज का प्लान है कि हम हर की बॉडी में भगवान जी के, पहले तो गंगा मैया को डुबकी लगाएंगे वहाँ चल के, गंगा मैया के। और तो अभी पापा का थोड़ी देर पहले फ़ोन आया, मम्मी पापा का रूम बगल में, तो उन्होंने बोला कि रिदांश को आराम से उठने दो और फिर हम लोग चलेंगे, क्योंकि वो भी कल का थका हुआ है और उसकी नींद पूरी हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है। और आज हम लोग हरिद्वार के दर्शन करेंगे, पूरे अच्छे मनसा देवी जी हैं। बाकी आपको भी धीरेज जी बताएंगे। धीरेज जी काफ़ी देर पहले उठ चुके हैं, वो अपना फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो आप लोग से बात करती हूँ, ब्लॉग भी एडिट करती हूँ। तो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8:30 और हम सब निकल गए हैं गंगा स्नान के लिए। तो हमने डिसाइड किया कि हम हनुमान घाट पे स्नान करेंगे, बिकॉज़ हर की पौड़ी पे तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है। और ये देखो हम लोग आ रहे हैं जल्दी जल्दी, मैं और मम्मी पीछे पीछे, और नरेश वीडियो शूट कर रहे थे एक्चुअली। तो ये हनुमान घाट है यहाँ पर, तो हम यहीं पर गंगा स्नान करेंगे। और यार इतना अच्छा मौसम था ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। इनफैक्ट हमारे ना गंगा में डुबकी लगाने के बाद ही इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी थी, बहुत ज़्यादा। तो पहले यार पानी इतना ठंडा था, तो हमने सोचा कि यार पानी जाने से पहले थोड़ा पैर डाल के ऐसे बैठे रहें, थोड़ा एंजॉय कर लें हम भी। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो पहले पापा मम्मी ने नहा लिया था, दिनेश भी चले गए थे, मैं बाद में गई थी क्योंकि रिदांश को भी नहलाया था। तो यार ये देखो रिदांश को मैं लेके बैठी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। तो मैंने कहा पहले मैं इसको एकदम रेडी कर दूँगी, तब मैं पीछे नहाऊँगी। बस यही हो रहा था। यहीं पे हमने मतलब पीछे चाय पी थी गरम गरम, बहुत मज़ा आया था। आज का दिन बहुत अच्छा गया था। ओहो गिरेश जी, क्या हो रहा है? गिरेश जी वीडियो बन रही है। मैं डालूंगी इसको, डालूंगी मैं इसको, डालूंगी। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अब दर्शन करने मनसा देवी जी की। अभी बज रहे हैं 5:15, हम सब रेडी हैं और अभी बहुत तेज़ धूप है। सब लोग बैठे हुए हैं, पापा मम्मी दिनेश जी रिदांश दिनेश अंकल सब लोग। चलिए जल्दी से दर्शन करते हैं चल के मनसा देवी जी की। बस गाइस अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी, अब आरती देखने, 5:00 की आरती। आपको दिखाती हूँ, देखिए। तो गाइस हम घाट पे आ गए और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे बच्चों का मुंडन होता है और ये छोटी वाला जहाँ हमने कल रात को डिनर किया था। और इसके बाद गाइस हम अपनी टर्न की वेट कर रहे थे कि बैरिकेटिंग लगी हुई थी, क्योंकि सब लोग अंदर ना जा पाएँ, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है आरती के टाइम, तो शायद कोविड की वजह से। वैसे तो भीड़ तो मुझे हर जगह ही दिख रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि ये कोविड की वजह से आधे लोग को बाहर क्यों रोका था। और हम लोग बस अंदर आ गए हैं, बहुत पापा ने थोड़ा बात बात करी थी वहाँ के जो पंडित थे उनसे, तो बस हम लोग को फिर आने को मिला था। और ये देखो यहाँ पंडित जी पूजा करा रहे हैं गंगा मैया की। आरती का टाइम तो वैसे 7:30 बजे का था, तो आप देखिए कितनी रश है, बहुत ज़्यादा रश है इसका। और आधी भीड़ बाहर थी, लेकिन फिर भी उसके बाद आप देख सकते हो कितनी भीड़ है बैरिकेटिंग के बाहर। और बस हम थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, और क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से हम पहुँच गए थे 5:30 बजे, तो बस ये बैठे हुए हैं यहाँ सीढ़ियों पे, सब लोग बैठे थे। और हम लोग दर्शन करने के लिए कि आरती स्टार्ट होगी, जल्दी से दर्शन करेंगे। और रिदांश ने इस टाइम तक आफत मचा दी थी कि चलो, आफत क्या, उसको एक्चुअली भूख भी लग रही थी। दूसरा उसको ना, बच्चे यार बैठते कहाँ हैं, तो वो बैठना नहीं चाह रहा, कहता मुझे घुमाओ। तो काफ़ी देर उसके बाबा ने उसको घुमाया, फिर मैं भी उसको, अच्छा मुझे नहीं बैठने रहता, कह रहा आप घूमो। तो बस ये देखो मैं उसको लेके उधर उधर रो रही हूँ आरती स्टार्ट होने के पहले। मम्मी बोलती यार आरती बस स्टार्ट हो जाए और फिर हम लोग चल लेंगे, नहीं तो बच्चा परेशान हो रहा है, हो सकता है फिर भीड़ में फंस जाएं। तो बस ये देखो यहाँ पे मंदिर में, और ये आरती हो गई स्टार्ट। गाइस आरती तो बनारस की हो या हर की पौड़ी की हो, देखने लायक होती है। मतलब मुझे भी बहुत मज़ा आता है, मतलब क्या, तो दीप इतने ज़्यादा जलते हैं और ऐसा लगता है बस दिवाली ही आ गई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। देखो आप लोग दीप जलाते हुए, बहुत मज़ा आता। और हम लोग बस इसके बाद निकल लिए थे वापस। देखो बैरिकेटिंग के बाहर भी इतने लोग खड़े हैं। अब हम वापस जा रहे हैं, मैं पापा मम्मी दिनेश, और इसके बाद हम थोड़ा बहुत एक दो सामान लेना था और कुल्फ़ी वगैरह।
यहाँ पे हम अब कुल्फ़ी खाने आ गए यार। इसकी कुल्फ़ी बहुत अच्छी थी, ये फ्रंटियर दी मशहूर कुल्फ़ी वाला था यार। इसका कुल्फ़ी इतना ज़्यादा अच्छा था ना, तो हम सब ने डिसाइड किया कि पहले हम कुल्फ़ी खाते हैं। यहाँ मिल्क बादाम रबड़ी फालूदा सब कुछ था, बट हम सब ने कुल्फ़ी खाई थी। इनफैक्ट मैंने तो दो कुल्फ़ी खाई थी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है वैसे भी। और ये रिदानश को देखो, उसकी कुल्फ़ी गिरने लगी तो कह रहा था मैं सही कर दो, तो मैं वेट कर रही थी कि पहले पापा मेरे रिदानश खा लें, क्योंकि रिदानश भी खाएगा तो गिराएगा ज़रूर। तो मैं सोच रही पहले वो खा ले उसके बाद ही मैं खाऊं, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है यार, बच्चे फैला लेते हैं। और ये देखो यार, यहाँ चूड़ियों की शॉप बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छी अच्छी चूड़ियाँ, बैंगल्स, कड़े, सीप के कड़े बहुत ज़्यादा, और कुछ मतलब मंदिर का ऑफकोर्स सामान मिलेगा ही पूजा का, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर था आप देख सकते हो, बट डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मैंने बैक साइड का थोड़ा बहुत शूट भी किया है। यहाँ हम होटल के नीचे रिसेप्शन पे आके थोड़ी देर बैठे थे, और यहाँ के भैया लोगों पूछ रहे थे आप व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि मैंने सुबह से काफ़ी शूट किया था तो मुझे पूछ रहे, तो मैं उनसे भी अब आपको मिलाती हूँ। चलो भैया, क्या नाम है आपका? सुमित। भैया मेरी वीडियो देख रहे हैं सुमित भैया, और जो भैया आपका नाम क्या भैया? कृष्णा। कृष्णा भैया अब जाएंगे ऊपर, क्योंकि इनका फ़ोन चार्ज में लगा हुआ है, उसके बाद मेरी वीडियो देखेंगे। और भैया आप? संजय। संजय भैया आप? भैया अभी सब्सक्राइब कर दिया है और मेरा चैनल देखेंगे। अच्छा हाँ भैया, आपका नाम? धीरेज जी। यहाँ पे पोछा लगाने तो ये भैया लोग हैं। हाँ जी भैया, बोलिए बोलिए बोलिए। लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा ब्लॉग बना दिया। थैंक यू भैया, पसंद आया हमें। थैंक यू भैया, थैंक यू। आ गए हैं हम लोग रूम में, और मैंने बस अभी डिनर मंगाया है, बहुत सिंपल सा ही खाना। मैंने कहा मैं रोटी सब्जी मंगाऊंगी रिदानश के लिए, बिकॉज चुटू पुटू खा लो तो पेट तो भर ही जाता है। सेकेंडली, जब बच्चा ना बाहर कहीं घूमने जाता है तो उसके साथ ऐसा होता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इतनी चीज़ों को देखने में, इतने लोगों को देखने में, कि वो ठीक से खाना नहीं खाता है। तो मैंने कहा आज मैं उसको रूम पे चल के, जब हम लोग होटल चलेंगे देन उसको मैं वहीं पे कुछ मंगा के सिंपल सा खिला दूंगी तो ज़्यादा बेटर होगा। तो बस इसलिए मम्मी का मम्मी के रूम में भी मैंने मम्मी के लिए भी मंगा दी, और रिदानश को यहाँ बैठ के मैं शांति से खिलाऊंगी। और मैं तो यार दो कुल्फी खा ली थी तो मेरा तो पेट भर गया, मुझे कुल्फी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और गर्मी की वजह से हमने पानी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पी लिया, तो किसी का इतना कुछ खास मन नहीं है, सिर्फ वो रिदानश के लिए मंगाया, तो ये हुआ कि चलो एक एक चपाती हम सब ले लेंगे। तो बस यही था आज का दिन, और मज़ा तो बहुत आ रहा है यार, इतने दिनों बाहर निकले। और यहाँ सुबह हम लोग हर की उस पर हनुमान घाट पे हमने सबने स्नान किया, डुबकी लगाई, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी थी, और पानी तो यार इतना ज़्यादा ठंडा और इतना ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा। मुझे स्पेशली जो लोग मुझे जानते होंगे, मेरे फ्रेंड्स, उनको मालूम होगा कि मुझे पानी बहुत पसंद है। और मैं आपको बताऊँ कि मैं स्विमिंग भी ठीक ठाक कर लेती हूँ, और बस अब यहाँ तो क्योंकि पानी चलता हुआ पानी कोई स्विमिंग तो नहीं कर सकता। एक बात आपसे शेयर करी थी कि मुझे तो पानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो हाँ हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया, आधा पौन घंटा हम पानी में ही थे, तो बहुत हमने एंजॉय किया आज का दिन। चलिए अब कल का दिन देखते हैं कैसे कवर होता है। चलिए मेरे दानशो खाना खिलाती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। चलो खाना आ गया। हाँ सोना बैठेगा। एक एक आलू टमाटर की सब्जी मंगाई हूँ मम्मी के लिए, आलू मटर टमाटर, और एक पनीर की सब्जी रिदानश के लिए, और चपाती। सब सबके पसंद का हो गया। पापा तो कुछ खाएंगे नहीं, रिदानश तो पहले ही बैठ पापन हमारा डिनर वगैरह हो गया, तब तक हम मम्मी पापा के रूम में ही ऐसे थोड़ा डिस्कशन और था कि कल क्या करेंगे, कैसे प्लान करेंगे, और आज पूरे दिन क्या किया, तो थोड़ा हंसी मजाक सब कुछ। और रिदानश वहाँ बैठ के देखिए अब क्या कर रहा है, वो लाइट जला रहा है, बंद कर रहा है। बच्चों का तो यार यही काम होता है। तो कुल मिला के आज का दिन हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया था हरिद्वार में। अब कल का दिन देखते हैं कैसा निकलता है। तो बस गाइस, हम आ गए हैं रूम में, और धीरेज जी आपको आज व्लॉग में थोड़ा कम दिखाई दे होंगे, उसका रीजन धीरेज जी आपको बताएंगे। व्हाई धीरेज जी, कैन यू टेल द रीजन? रीजन बस इतना सा कि बाल जब तक सफेद ना हो, या आप बच्चे ना हो या औरत ना हो, तो दुनिया आपको सिर्फ गुंडा मवाली और बेकार ही समझती है। यही आज हमारे साथ हुआ कि लोगों ने हमने टीका लगाया, लोगों ने समझा लवड़ा लपांडा है तो इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है। बुजुर्ग हैं, बाप बाल सफ़ेद हैं, माता जी बुजुर्ग हैं, बाल सफ़ेद हैं, बीवी लड़की है, बच्चा बच्चा है, रह गए हम अकेले पीताम्बरी लगा के।
तो खड़े थे, लोगों ने अंदर घुसने नहीं दिया, खड़े रहे, थक गए वो, आगे गए बताएंगे। खैर ये तो रही मजाक की बात, ऑन अ सीरियस नोट, अगर आपको गंगा आरती देखनी है हर की पौड़ी पे गंगा मंदिर के सामने, तो आपको टाइम से आना पड़ेगा। विशेष करके ध्यान रखिए संडे के दिन आपको टाइम से पहुंचना है। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो प्लान कीजिए एक घंटा पहले वहाँ पहुंच जाएं, पार्किंग पे गाड़ी छोड़ें, ड्राइवर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो उससे भी अच्छा, आप ज़्यादा टाइम से आएंगे, एक घंटा पहले आइए, गाड़ी को वहाँ लगाइए, पैदल पैदल चल के आइए, पैर ठंडे करिए गंगा जी में, फिर वहाँ खड़े हो जाइए, लेकिन 5 बजे से पहले बैरिकेडर के अंदर चले जाइए, बस इतना सा कर लीजिए। अंदर चले गए तो आप बच गए, नहीं तो मेरी तरह खड़े रहेंगे फिर अंदर कोई लेगा नहीं। तो अंदर जाके आराम से इत्मीनान से बैठिए गंगा मंदिर के द्वार पे और आरती का आनंद लीजिए। आपको 2 घंटा लगेगा आरती स्टार्ट होने में, क्योंकि वहाँ पे वो क्या है कि सारे लोगों को बुला लेते हैं, 7:30 की टाइमिंग है, तो 5 बजे अंदर तो 1.5 घंटा आपको वहाँ बैठना है। उसके बाद 15-20 मिनट आरती चलती है और दर्शन होते हैं, उसके बाद आप बाहर आ सकते हैं। उसके बाद पूड़ी खाइए, कचूमड़ खाइए, सलाद खाइए, रसगुल्ला खाइए, जो खाना खाइए, बट थोड़ा सा और इनका सर भी खाते रह जाइए थोड़ा सा। नाम है सुदामा, अरे द्वार पालो, उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया।